अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 का क्लास 10th। तो हमने 3.1 में डायरेक्टली और इन्वर्सली के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्टली और इन्वर्सली क्या है। तो इसको मैं एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ। अगर हमारे पास वैल्यू लिखी है एक्स, तो डायरेक्टली इस तरह होगा, डायरेक्टली इज इक्वल डायरेक्टली वाई, और अगर इन्वर्सली होगा तो उसके लिए क्या होगा, 1/y। ये हमने पढ़ा था और इसको हमने इधर भी यूज़ करना है, तो इसलिए इसके बारे में अगेन आपको थोड़ा सा बता दिए। इसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली कि वाई अगर वेरीज डायरेक्टली है एक्स के, तो वाई इज़ इक्वल टू 8 एंड एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो अब वहाँ पे लिखा है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एक्स, तो वाई वेरीज डायरेक्टली एक्स का मतलब क्या होगा, वाई जो है वो डायरेक्टली क्या है एक्स के, इसका ये मीनिंग है। एंड वाई इज इक्वल टू 8, और जो वाई है वो क्या है, 8 है। अगर वाई 8 है देन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, तो फाइंड करें आप, तो फिर आपने फाइंड करना है जो कि उसने पार्ट नंबर 1 में हमें गिवन होगा, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये वैल्यूज़ हमारे पास इस तरह से लिखी हुई हैं कि अगर हमारे पास y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, एंड y इज़ इक्वल टू 8 है, तो व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 है, तो हमने क्या फाइंड करना है, x को हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर ये क्वेश्चन की शेप में देखें, तो क्वेश्चन में है y डायरेक्टली x के, तो जब हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x के, और हमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू kx। ये k कहाँ से आ गया, ये प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, कांस्टेंट के। के क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने लिखा वाई इज़ इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो देखें, वाई की वैल्यू क्या है, गिवन 8 है, एंड एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इज़ इक्वल टू 2k। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 4। हमारे पास आ गया के इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, और ये जो हमारे पास k आया है, इस k की वैल्यू अगर हम अपनी इक्वेशन में पुट करें, जो कि हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 थी, तो ये बन जाएगी हमारी कि y इज़ इक्वल टू kx, तो आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4x। यानी कि यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। ये था हमारे पास जो k की हमारी वैल्यू है, वो हमने किस में पुट की, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे हमें ये बात पता चला कि हमारे पास k की वैल्यू क्या है, 4 है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें हमें उसने वैल्यू दी हुई है, उसमें वैल्यू है जी y when x is equal to 5, यानी कि y when x is equal to 5। अब इसमें हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है, तो हमने पुट किस में करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है वैल्यू। तो हम कहेंगे y इज़ इक्वल टू के एक्स, वाई हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4, एंड x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू वो जो हमें इसने दी हुई है वो वैल्यू है, तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1, ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब इसका आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 3, उसमें वो कहते हैं x when y is equal to 28, x when y is equal to 28। तो दोबारा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y is equal to kx लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 28, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, और x की क्या है, हमने फाइंड करनी है, 4x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा 28 इज़ इक्वल टू 4x, तो आएगा 28 इज़ इक्वल टू 4x, और x इधर ही रहेगा, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, इस पर डिवाइड हो जाएगा, और आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 7 आंसर आ गया।
ये हमने 4 को डिवाइड किया, 4 वन था 4 और 4 सेवन था 28, तो 7 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखें, ये पार्ट नंबर 1 में, तो पार्ट नंबर 1 में हम यहाँ से देखते हैं, हमारे को कहते हैं y डायरेक्टली x के एंड y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन है जो उसने हमें दी हुई है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो हमने क्या किया, y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के लिखा और प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया, तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू k की लिखी, k आग लिख दिया, जो हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो आ गया। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे, कि हमारे पास जब उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि y क्या है 8 है और x क्या है हमारे पास 2, तो y की वैल्यू 8 पुट कर दी और x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये k की वैल्यू हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट की अपने आप को देखने के लिए कि ये हमारी इक्वेशन बन गई है। क्लियर हो गया जी हमारा, यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर इसका, कि ये y इज इक्वल टू kx की वैल्यू पुट करके हमारे पास k की वैल्यू आ गई थी। अब उसने हमें सेकंड पार्ट दिया था जिसमें उसने हमें ये बोला था कि अब आपके पास y क्या है, y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और x आपके पास क्या है 5 है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 1 थी हमने वही इक्वेशन लिखी, y हमने फाइंड करना था और x की वैल्यू हमारे पास 5 थी, वो पुट कर दी, और k की वैल्यू जो थी वो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट किया वही हमने यहाँ पे पुट की, हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास जो थर्ड पार्ट था उसमें हमारे पास क्या था जी, उसमें ये था कि हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी थी, y उसने हमें 28 दिया हुआ था, मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली वो यहाँ पर लिखी और उसके अंदर क्या पुट कर दी, अपनी वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपनी वैल्यू पुट की तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 28 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो गया, 4 को 7 पे, 4 को 28 पे डिवाइड किया, आंसर 7 आ गया, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के ये तीनों पार्ट क्या हो गए हैं, सॉल्व हो गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम इसी तरह की है। इसके बाद आप देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास है कि अगर r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के तो y हमारे पास गिवन, r हमारे पास क्या है वो उसने हमें बताया है जी। इसमें हमें उसने बोला है कि इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, जो हमारे पास गिवन r है वो r है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5, और r क्या है हमारे पास 5 है, जो r है वो हमारे पास क्या है 5 है, एंड व्हेन t इज इक्वल टू 8, व्हेन t इज इक्वल टू 8, ये हमें उसने पहली इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, r की वैल्यू हमारे पास 5 है व्हेन t इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कनेक्टिंग r एंड t, तो जहाँ पर ये फाइंड कह रहा है वो हम बाद में सॉल्व करना शुरू करेंगे, पहले हमारे पास जो उसने r और t का रिलेशनशिप बताया हम इस रिलेशनशिप को सॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं जी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो r क्या है हमारे पास k आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म हो जाएगी, पुट करेंगे यहाँ पर हम वैल्यूज़ को, r की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और t की वैल्यू क्या है 8, 5 इज इक्वल टू 8k और 5 इधर ही रहेगा और 8 इस तरफ आ जाएगा और ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 5/8। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें एक्सरसाइज 3.2 और एक नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 आएगी, इनमें हमेशा आपने सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की, आपने हमेशा सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है k की, k की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिलेशन होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो सकता। सबसे पहले आपने k की वैल्यू फाइंड की, ये हमारे पास आ गया k, अब ये जो हमारे पास k की वैल्यू आ गई है इस वैल्यू के थ्रू अब हमने बाकी के सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमने हर दफ़ा क्या करनी होती है, वैल्यू पुट करनी होती है। इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने हर दफ़ा वैल्यू पुट करनी होती है और इस वाली k की वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमने मस्ट हर दफ़ा फाइंड करनी होती है। उसके बाद वो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 68। सेकंड पार्ट है r व्हेन
और when t is equal to 64, हमारे पास इक्वेशन नंबर वन जी है, r is equal to kt, r हमने फाइंड करना है, when t is equal to k 64 है, और k की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/8, 8 × 8, 8 × 8 = 64, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 × 5 = 40, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। उसके बाद वो कहते हैं t when r is equal to 20, t when r is equal to 20, तो इसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर वन क्या है, वो ये है r is equal to kt, r की वैल्यू 20, k की वैल्यू 5/8 और t की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है, तो ये इधर है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 20 × 8 = 5, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो 4 × 8 = 32, तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 32 वैल्यू आ गई हमारे पास t की। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, अब तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या है, तीन चीज़ों पे बेस कर रही है, नंबर वन जो आपको रिलेशन दिया होगा डायरेक्टली या इन्वर्सली, आपने उस रिलेशन को पहले ख़त्म करके तो क्या करना है कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में लिखना है, जब वो कांस्टेंट वैल्यू में आ जाएगा तो आपकी इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर आपको r और t की वैल्यू या जो भी रिलेशन होगा उसकी वैल्यू दी होगी, आपने पुट करना है तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, आपने k की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, जो रिलेशन आपको दिया होगा इस रिलेशन के अब दोनों को आपने फाइंड करना है, k को आपने फाइंड कर लिया, अब ये दोनों रिलेशन है इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना होगा, एक दफ़ा इसकी वैल्यू दी होगी और ये मिस होगा और एक दफ़ा इसकी वैल्यू दी होगी और ये रिलेशन मिस होगा। सेकंड पार्ट था उसमें क्या था, आर की वैल्यू हमने अननोन थी और टी की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमने टी की वैल्यू को पुट करके आर की वैल्यू को फाइंड कर ली। उसके बाद हमारे पास थर्ड रिलेशन आ गया जिसमें हमारे पास अब टी की वैल्यू नहीं थी और आर की वैल्यू थी, हमने क्वेश्चन नंबर वन में पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, और इस तरह ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब हम देखते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है वो कहते हैं वी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r³, वी इज इक्वल टू 5 when r is equal to 3, v is equal to 5, r is equal to 3। तो देखिए हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमारे पास रिलेशन आ रहे हैं दो, डायरेक्टली आ जाए या इन्वर्सली आ जाए, और उन्हीं दोनों की क्या आ रही है हमारे पास वैल्यूज़ भी आ रही हैं, तो हम पहले इसको रिलेशन को करेंगे कांस्टेंट में चेंज, v is equal to k 1/r³, तो v की वैल्यू और दो ही हमें वैल्यूज़ दी होंगी, v की वैल्यू r, यहाँ पे लिख लेंगे आप पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन वन, तो v की वैल्यू है आपके पास 5 k वैसे का वैसे, और r की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3, तो इसका हम क्या ले लेंगे क्यूब लेंगे, तो आ जाएगा k मल्टीप्लाई 1/3 × 9 × 27, ये k जो ये जो 27 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस सब जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, k आ जाएगा ये 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 11 × 12 = 13 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 135, ये हमारे पास क्या आ गई है k की वैल्यू आ गई है। क्या किया वही हमने प्रोपोर्शन को खत्म किया, कांस्टेंट किया और के की वैल्यू फाइंड की, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है जी, इसमें कि जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं वो देखेंगे कि वो कहते हैं व्हेन वी फाइंड करें वी वेयर आर इज इक्वल टू 6, फाइंड क्या करना है हमने वी, तो व्हेन आर इज इक्वल टू 6, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या हमारे पास, हमेशा हमने क्वेश्चन नंबर वन नहीं लेनी है, हमारे पास एक ही क्वेश्चन होगी, और अब हमारे पास वी की वैल्यू क्या है फाइंड करने के लिए, के की वैल्यू क्या है 135 है और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, तो इसका क्यूब ले इसका भी क्यूब लेंगे हम, तो आ जाएगा 135 × 1216 आ जाएगा। अब 131 1 से मल्टीप्लाई होगा और 216 है,
नीचे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आंसर 135/216। अब ये दोनों हम किस टेबल पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, सबसे पहले हम इसको 3 पर डिवाइड करते हैं तो 3 4 का 12 और 3 5 का 15, 3 7 का 21 एंड 3 2 का 6। उसके बाद ये दोबारा 3 पर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3 हमारे पास 1 द 3 एंड 3 5 द 15, 3 2 का 6 एंड 3 4 द 12। दोबारा 3 पर डिवाइड होगा 3 5 का 15 एंड 3 8 द 24। तो हमारे पास आंसर आ गया V=5/8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, V की। K की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, V की भी वैल्यू फाइंड हो गया। हमारे पास तीसरी कौन सी रहेगी, R की वैल्यू फाइंड करने वाली। तो हम यहाँ पे कहेंगे जी कि हमारे पास जो लास्ट है वो कहता है R फाइंड करें व्हेन V इज इक्वल टू 320। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यूज़ करेंगे K इज इक्वल टू 1/3। V की वैल्यू क्या हमारे पास 320, K की वैल्यू 135 और R की वैल्यू यहाँ पे V की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब V की वैल्यू 320 ठीक है, और R की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, और R 3 ये आ गया हमारे पास। ये जो है वो 3 क्या हो रहा है इस तरफ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये हम और इधर डिवाइड हुआ तो जब इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 135, और ये अगर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने एक स्टेप में कर दिया, इसको मैं दोबारा देखें कि ये होगा 320 135/3। आर इधर जाएगा तो 320 R3 = 1 r की पावर 3 इधर ही रहा तो 135/320। दोनों टेबल 5 पे डिवाइड हो जाएंगे दोनों वैल्यूज़, तो 5 2 का 10, 5 7 का 35 एंड 5 6 का 30 एंड 5 4 का 20। अब दोनों जो हैं वो डिवाइड होते हैं 27/60। अब ये 27/64 आ गया हमारे पास आंसर, R3 27/64। तो इन दोनों के फैक्टर बनाएं, तो अगर हम इसके 27/64 के फैक्टर बनाएं तो हम उसके क्या फैक्टर बनेंगे 27 के, हमें ये रेस करना पड़ेगा यहाँ से। R3 = 27/64। तो 27 के जब फैक्टर बनेंगे तो वो क्या होंगे, 3 3 3 एंड 3, और इसके 2 2 का 4, इसके फैक्टर बनेंगे 4 4 एंड 4। तो अब R3 = 3/3/4 आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम इसको क्या लेंगे दोनों तरफ से, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, उससे क्या होगा R3 × 1/3 और R3 = 3/3/4 / 3/3/1/3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो R की वैल्यू आ जाएगी 3/4। इस तरह हमने K की वैल्यू भी फाइंड कर ली, V की वैल्यू भी फाइंड कर ली और R की वैल्यू भी हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से इनका आंसर आ जाएगा।